इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। जेवर एयरपोर्ट के बनने का इंतजार अब लगभग खत्म हो चुका है। जेवर एयरपोर्ट के लिए प्रशासन ने नई कवायद की है। इस मामले को लेकर जनप्रवाद के संवाददाता ने यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान सीईओ ने जेवर एयरपोर्ट के लिए होने वाली खास कनेक्टिविटियों की जानकारी दी। अरुणवीर सिंह ने कहा कि मॉडल कनेक्टिविटी के लिए अध्ययन किया जा रहा है। अध्ययन करने वाली कंपनी ने अपनी डीपीआर दी है। डीपीआर में एलिवेटेड रोड समेत एरो एक्सप्रेस चलाने संबंधी सुझाव होंगे। सीईओ अरुणवीर सिंह ने एयरपोर्ट के साधनों पर विशेष जोर दिया। बिना कनेक्टिविटी के एयरपोर्ट चलाना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो समेत अन्य प्रकार के साधनों पर विचार किया जा रहा है। सर, जेवर एयरपोर्ट के लिए कुछ नई कनेक्टिविटियां तैयार की जा रही हैं, तो वो कहां कहां से होंगे और किस किस तरह की? राइट्स को स्टडी करने के लिए दिया गया था मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। उन्होंने अभी अपनी डीपीआर जो है प्रोविजनल सबमिट की थी, आज वो आ रहे हैं डिस्कस करने के लिए फाइनल ड्राफ्ट के लिए। तो उसमें वो सुझाएंगे कि कौन कौन से तरीके होंगे, चाहे एलिवेटेड रोड का तरीका हो या एरो एक्सप्रेस चलाने का तरीका हो या डेडिकेटेड मेट्रो लाइन का हो या रैपिड रेल का हो। तो जो भी कनेक्टिविटी का ऑप्शन आएंगे स्टडी के बाद, तो उस पर उसकी फिजिबिलिटी और उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देख के उस पर निर्णय लिया जाएगा। और निश्चित तौर से कनेक्टिविटी तो किए बिना कनेक्टिविटी के एयरपोर्ट चलना बहुत संभव नहीं होगा। तो कनेक्टिविटी तो बहुत शीघ्र होगी और एयरपोर्ट बनने के साथ साथ ही पूरी की जाएगी। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और स्टडी अपने फाइनल स्टेज में है। जैसे स्टडी पूर्ण होती है आप लोगों के साथ इसको बताएंगे, शेयर करेंगे। एयरपोर्ट के लिए वन विभाग से एनओसी मिलने के बाद पेड़ों के कटान के बारे में सीईओ ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया था। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ईआईए ने इसके लिए रिपोर्ट मांगी थी। एयरपोर्ट के लिए 6800 पेड़ों को काटा जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय से इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है, जिनके बदले में 68000 यानी 10 गुना पेड़ लगाए जाएंगे। वन विभाग को पौधा लगाने के लिए नाइल नाम की संस्था 1,80,00,000 रुपए देगी। एयरपोर्ट के लिए लाइट के आगे मत करो, वन विभाग से अनुमति मिल चुकी है। कितने पेड़ काटने पड़ेंगे और फिर उनके लिए अल्टरनेट क्या कर रहे हैं? ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए हम लोगों ने जो एप्लीकेशन दी थी जेवर एयरपोर्ट के लिए, तो उस समय जो है एनवायरमेंटल जो कमेटी है इसी की, उसने ये कहा था कि पेड़ काटने की सूचना लाई जाए, कितने पेड़ लगाए जाएं उसकी सूचना लाई जाए, WII से कंजर्वेशन प्लान फ्लोरा और फाना के लिए बनाए जाए, और जो वहाँ पर तालाब खुदवाने हैं और जो माइनर शिफ्ट करना है उसकी कार्रवाई की जाए। तो उस क्रम में काम सब स्तर पे हो रहा है। अभी फायर डिपार्टमेंट ने कल 6800 पेड़ को काटने का अनुमति दे दिया है, उसके 10 गुना पेड़ों लगाएंगे, इसके लिए हम लोग उनको पैसा देंगे। हाँ, तो ये कार्रवाई अभी पहली अनुमति प्राप्त हो गई है। इस संबंध में और भी बैठक आज आहूत की गई है WII के लोगों के साथ और सिंचाई विभाग के लोगों के साथ। तो बाकी चीज़ों पर कार्रवाई करते हुए दिसंबर के लास्ट हफ्ते में जो ईसी हुए प्रस्तावित, उसमें हम जेवर एयरपोर्ट का ईसी क्लियरेंस का प्रस्ताव ले जाएंगे। सर, कितना पैसा आवंटन किया गया? वो 1,60,00,000 रुपया देना पड़ेगा फॉरेस्ट को और पेड़ लगाने के लिए। और पेड़ काटने की जिम्मेदारी तो कंसेशनर की होगी, जैसे जैसे वो काम शुरू करेगा डेवलपमेंट का अपना पेड़ काटता रहेगा, क्योंकि अनुमति आ गई है। सर, जगह चिन्हित कर ली गई पेड़ लगाने के लिए? जी, वो एक्सप्रेस वे केलांग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी पूरी कार्ययोजना देगा हमको। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना हम आपको अलग से भेजेंगे, तो 1-2 दिन में एक्शन प्लान आ जाएगा, फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, 6,800 पेड़ के जगह कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे? 10 गुना 68,000 पेड़ लगाने पड़ेंगे। जुड़े रहिए जनप्रवाद के साथ। नमस्कार।